ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। बड़ी खबर यह है रीवा के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में भव्य राम कथा के आयोजन की जाला है। आयोजन में मुख्य अतिथि या कही के आकर्षण के केंद्र जगतगुरु राम भद्राचार्य की उपस्थिति रही। 12 मार्च से 20 मार्च तक ये भव्य राम कथा के आयोजन की जाला है और ये आयोजन के संबंध में सैकड़न लोगन का आमंत्रण भेजा जा चुका है। मऊगंज के वरिष्ठ भाजपा नेता और एडवोकेट मृगेंद्र सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता के आयोजन किएगा और राम कथा के आयोजन के संबंध में जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा किएंगे। तो इन क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सभी जन का प्रणाम कही थे शुरू करे थे। बड़ी खबर से बता दी कि होली के बाद रीवा के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र राम भक्तिमय हो रहा है। काहे से कि जिला के मऊगंज विधानसभा के अंतर्गत गौरी मर्यादपुर में 12 मार्च से 20 मार्च तक भव्य श्री राम कथा के आयोजन होने वाला है। कथा को लेकर मऊगंज के वरिष्ठ भाजपा नेता एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेंगर के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किएगा और इस दौरान बतावागा कि आगामी 12 मार्च से 20 मार्च तक भव्य श्री राम कथा के आयोजन किए जाला है। श्री राम कथा खातिर कथावाचक जगतगुरु भद्राचार्य महाराज की उपस्थिति रही। ए अवसर में मृगेंद्र सिंह के द्वारा तमाम लोगन खातिर भोजन के इंतजाम करवावा गया है, जैसे कि कोनो भक्त भूखा न जा। बतावा जात है कि श्री राम कथा सियाराम कुटीर में यह भव्य आयोजन की जाला है, जैसे प्रदेश और देश के नेता गलाए मौजूद हुई है। वह एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेंगर के द्वारा प्रेस वार्ता में भाजपा में शामिल हुए के घलाए बात कही गई। एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेगर के द्वारा कहा गया कि कोनो पार्टी में जाए का व्यक्तिगत आज़ादी माना था और ये अपनों को सुनाई थे कि प्रेस वार्ता में श्री राम कथा के आयोजन से लेके जुड़ी जानकारी का कुछ दीन गई है और कौनमेर के बात कही गई है। तो सजग रहिए और सतर्क रहिए, रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल, दे इजाज़त। आज यहाँ सियाराम कुटीर में जो राम कथा का आयोजन किया गया है 12 मार्च से, उसमें जगतगुरु स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज आ रहे हैं। उसी विषय में आप सबका मार्गदर्शन लेने के लिए और कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो ईश्वर की कृपा से, इसी संबंध में आप सबको यहाँ बुलाएंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी? कार्यक्रम 12 मार्च से शुरू होगा, कलश यात्रा से प्रारंभ होता जैसे हमारी संस्कृति है और वो 20 मार्च तक अनवरत चलेगा। 20 मार्च को भजन संध्या है, भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के द्वारा। कार्यक्रम जो 12 तारीख से आपका प्रारंभ होगा, तो प्रथम दिवस शुभारंभ अवसर पर और कौन कौन विशेष लोग आ रहे हैं? प्रथम दिवस पे स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद विधायक, सीधी सांसद जी ने भी कहा है, राज्यसभा के सांसद जी ने भी कहा है कि हम सब 12 को आएंगे क्योंकि 13 तारीख से सदन है और कई महासंतों के आने की बात हो रही है। इसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, बागेश्वर धाम महाराज। कौन सी तारीख को आ रहे हैं? ये तारीख तो आज तय होगी शाम। कितने दिन रहेंगे ऐसा कुछ? वो एक दिन रहेंगे महाराज जी, तो पूरे दिन रहेंगे तुलसी पीठाधीश्वर जी। जी, उसी के मुखार बिंदु से राम। और कई शीर्ष नेताओं को तो आना है, अब जिससे जब डेट आएगी तो हम आपको अवगत करा देंगे। जैसे कई लोगों का नाम बाद उनके अपने प्रोटोकॉल होते हैं। सुना गया है देश के बड़े गायक कलाकार भी उपस्थित हो रहे हैं। अनूप जलोटा जी आ रहे हैं, भजन सम्राट है, पद्मश्री है। कितने तारीख को आएंगे? 20 तारीख को उनका कार्यक्रम 2 से 7 तक। इस पूरे कार्यक्रम में कितने लोगों के आने की आवश्यक आशंका है? प्रथम दिवस से लेकर के समापन तक क्या आपने व्यवस्था कर रखी? अभी यहाँ हम लोगों का जो आकलन है कि 20-25 हज़ार लोगों से शुरुआत होगी और लाखों प्रतिदिन भंडारा भी चलेगा। इसका भंडारा चलेगा। पूरे कार्यक्रम के जो ये आपने रूपरेखा बनाई है, रचना की है, कितने एकड़ में यह कार्य
ये 9-10 एकड़ का परिसर है, दस बाकी यहाँ पे तो काफ़ी ज़मीन है, लेकिन जो परिसर है 9-10 एकड़ सियाराम कुटीर का। इस पूरे कार्यक्रम में काफ़ी इन्वेस्ट भी हो रिपीट किया, तो आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप लोकसभा की तैयारी करेंगे या और कोई आपका कदम होगा? समय के हिसाब से निर्णय होगा, लेकिन जो भी पार्टी निर्णय लेगी उचित लेगी। और अपन कोई ऐसा नहीं है कि अशक्त भाव से राजनीति कर रहे हैं कि नहीं हमें पद चाहिए। हम तो अभी विगत 10-11 साल हो गए हमें, और हम राजनीति में सक्रिय हैं, लोगों को जितनी हमसे हो सकता है उतनी हम मदद करते हैं। तो कोई ऐसी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा या कोई ऐसी बात अपने अंदर नहीं है। हम तो जन सेवा करना चाहते हैं, और आप सबके आशीर्वाद से आज वो स्थिति है कि अपनी जनाधार है, लोग हैं। आपने अभी भाजपा की जो सदस्यता ली और आप नामचीन समाजसेवी और नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो किन किन बड़े नेताओं से अभी तक आपके संपर्क हो चुके भाजपा से, और कहीं ना कहीं आपको आश्वासन भी कुछ मिला होगा? मेरे तो तमाम जितने राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के नेता हैं सबसे बात, कुछ नाम लेना चाहेंगे ऐसे बड़ी नाम तो जिनसे आपके संपर्क हुए, जैसे के हुए हैं, चर्चा आ रही है अमित शाह जी के, बीडी शर्मा जी के, आपके सबसे मुख्यमंत्री जी के, सबसे मुख्यमंत्री जी से भी मैं मिला, बीडी शर्मा जी से भी मिला, और संगठन में हितानंद जी से मैंने मिला, तमाम लोग। नहीं, हम तो कोई शर्त वाले नहीं थे, हमसे जिला के लिए जरूर कहा गया था, हम लखनऊ थे उस समय जब हमें बुलाया गया, तो ये था कि जिला बन रहा है, आपका सहयोग थे आप आ जाते, मैंने कोई शर्त नहीं रखी, क्योंकि जिला ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पद तो मिलेगा, आएगा जाएगा, ये लोकतंत्र है, 5 साल के लिए पद होता है, तो पद उतना महत्वपूर्ण नहीं था, और आगे भी नहीं रहेगा। वो गौड़ है, पहला है अपना विकास क्षेत्र का, लोगों की भलाई, लोगों का रोजगार, लोगों का स्वास्थ्य, लोगों की शिक्षा, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियाँ शिक्षित हों। इस दिशा में काम होना चाहिए, और हम सब आपको सबको मिल के इसको काम को करना है। जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के भी नेता पहुँचने की उम्मीद है? हाँ जी, 1-2 जरूर नेता आएंगे, और प्रदेश स्तर के भी नेता आएंगे, और तमाम लोग आ रहे हैं, इसमें कोई दल और वाला बात नहीं है, ये तो सर्व समाज का। हाँ, हेलीपैड बनाया जा रहा है, और ये किसी दल से राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं, धार्मिक आयोजन है, आस्था का विषय है, आप सबका आयोजन है, ये मऊगंज परिवार का आयोजन है, और ये उसमें आप सब शरीक रहेंगे, भागीदार रहेंगे। पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज का भव्य श्री राम कथा होने जा रही है, इस संबंध में क्या करना चाहेंगे आप? बस मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस कथा को आयोजित आप सब हैं, मऊगंज परिवार है, इसको आप सबकी सहभागिता से इसको सुचारू रूप से भगवान की कृपा से कार्यक्रम संपन्न हो, यही हमारी अपील है आप सब। बैठने की व्यवस्था की गई है, कौन कौन से नेता आ रहे हैं और कब से कब तक कार्यक्रम चलेगा? देखिए, हमारे लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जितने भी आमंत्रित लोग हैं सबकी एक ही हैसियत है, सब राम भक्त आएंगे, हमारे लिए सब सम्माननीय, सब पूज्य हैं। आमंत्रित तमाम लोगों को किया गया है, और जब जो लोग आएंगे वो आपको यहाँ से पहले, 1 दिन पहले जो भी प्रेस जारी होगी विज्ञप्ति, उसमें बता दिया जाएगा, और बैठने की व्यवस्था भी लोगों के आने के हिसाब से 1 लाख तक लोगों की व्यवस्था। क्या बता देते हैं लोगों को खाने के लिए? खाने की शाम की व्यवस्था रहेगी, जो लोग यहाँ पर रुकेंगे उनको। कार्यक्रम कितने बजे तक? कार्यक्रम होगा 3-7। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावनाएं। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश, एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।